जनपद संभल के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि चंदोसी कोतवाली क्षेत्र में 24-25 अप्रैल को रात्रि में सूचना मिली कि रेलवे ट्रैक पर एक शव पड़ा हुआ है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर रविंद्र व कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। आज पुलिस ने रविंद्र को गिरफ्तार किया, जिसने पूछताछ में बताया कि मृतक विनोद कुमार को नशा करने के बहाने से अपने साथ भेजोई से शादी में से चंदोसी मोलागढ़ पर आया था। पहले मोलागढ़ रेलवे लाइन के पास शमशान घाट के पास बनी मड़ैया से कुछ दूर बैठकर मैंने विनोद ने गांजा व शराब पी, फिर वहीं पर मैंने अपने भाई राहुल को बुला लिया था। जब हमें लगा कि विनोद नशे में हो गया है, मैंने और मेरे भाई राहुल ने विनोद के सर पर और शरीर पर ईंट से बारी बारी मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने बताया कि मृतक विनोद उसकी भाभी पर बुरी नजर रखता था, इसी लोग लाज को लेकर आरोपी ने मृतक को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी से हत्या में उपयुक्त ईंट के टुकड़े पुलिस ने बरामद किए हैं। विधिक कार्यवाही कर आरोपी को जेल भेजा जा रहा है। 24-25 की मध्यरात्रि को यह सूचना मिली थी कि चंदौसी के पास में रेलवे ट्रैक पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर इसमें FIR पंजीकृत की गई। इस FIR में एक व्यक्ति जिसका नाम रविंद्र है, ये संज्ञान में इसका आया कि ये मृतक का जानने वाला था। मृतक विनोद जो कि बहजोई कस्बे का रहने वाला है, इसका जो अभी अपराधी पकड़ा गया है, इसकी विधवा भाभी के साथ अवैध संबंध था। इसी बात से नाराज होकर इस रविंद्र के द्वारा विनोद की हत्या ईंट से सर कुचलने से की गई। उसके बाद इन्होंने किसी एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर इसके शव को रेलवे ट्रैक पर रखा। दूसरा अन्य व्यक्ति अभी हम लोगों की जांच पड़ताल में इसके भाई का नाम राहुल जो सामने आ रहा है, इसके बारे में अभी तफ्तीश की जा रही है। एक रविंद्र पुत्र प्यारे लाल निवासी मोहल्ला नई बस्ती कस्बा बहजोई, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इस घटना का खुलासा किया जा रहा है।